हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मोकिंग हमारे लंग्स को किस तरह से अफेक्ट करता है। हम सब जानते हैं स्मोकिंग हमारे लंग्स या फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन किस किस तरीके से वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है इसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ज़्यादातर लोग को। तो आज हम इस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और आप अपने लंग्स को इससे प्रोटेक्ट कर पाएँ। थोड़ी बहुत अवेयरनेस इस मामले में यदि हो जाए तो आप इसका प्रयोग को थोड़ा कम कर सकते हैं और अपने लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कुछ आप कर पाएंगे जो आपकी लॉन्ग टर्म मदद करेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए सेंड तक देखिएगा। तो बिना समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, जो कि एस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा इन तरह की बीमारियां इसमें होती है। इसमें स्मोकिंग की वजह से आपकी जो अंदर की नलियां हैं, एल्वियोलाई है, एयर सैक्स है या जो एयर को कंडक्ट करने वाली जो पैसेजेस, सब में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नलियां सिकुड़ जाती है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन में चली जाती है, इसमें और ज़्यादा म्यूकस बनता है, जिसकी वजह से आपकी छाती में भारीपन होता है, श्वास फूलती है, बार बार वीजिंग होती है, खांसी होती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है। ये सारे फीचर एस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से, और ज़्यादातर बहुत सारे पेशेंट जो एस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी से पीड़ित होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण स्मोकिंग ही होता है मेजॉरिटी ऑफ द केस में। बहुत कम केसेज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें स्मोकिंग का कारण ना हो, हालांकि ऐसे इम्पॉसिबल नहीं है पर फिर भी ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से एक है। इसी तरह से लंग कैंसर जो है वो भी बहुत केसेस में स्मोकिंग द्वारा अफेक्ट होता है। स्मोकिंग में खासकर जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है या स्मॉल सेल लंग कैंसर है, ये जो खासकर बहुत ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस जिसमें होता है, बहुत जल्दी लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये काफ़ी हद तक स्मोकिंग से रिलेटेड होता है। और इसमें लोगों को सिम्टम्स में कई बार खांसी में ब्लड आएगा, बार बार खांसी होगी, वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा सांस में फूलेगी और बहुत ज़्यादा कमजोरी या सुस्ती का एहसास होगा। ये एक जानलेवा बीमारी है, यदि हो जाती तो ज़्यादातर लोग को बचना मुश्किल है। इसीलिए स्मोकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है लंग कैंसर का। लंग कैंसर की बीमारी से पीड़ित 70 से लगभग 90% लोगों को स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। इनफैक्ट लंग कैंसर के पेशेंट्स को लोग ब्लेम ही इसलिए करते हैं कि उन्होंने स्मोकिंग की, इसलिए उनको उसकी सज़ा मिल रही है। तो एक तरह से लंग कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, इसको ज़रूर आपको बंद करना चाहिए यदि आप खुद को कैंसर से बचाना चाहते हैं तो। इसके अलावा रेस्पिरेटरी बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो आपकी ओवरऑल इम्यून सेल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बचाते हैं और आपकी लंग्स या मुकोजा को अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या निमोनिया से बचाते हैं। ये सारे डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से बार बार कीटाणु आप पर हमला कर सकते हैं और बार बार आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी बीमारी होती है। ज़्यादातर ये देखा गया कि स्मोकिंग करने वाले लोगों को सिंपल इन्फेक्शन में भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से खुद को यदि बचाना है तो स्मोकिंग बंद करना चाहिए। बच्चों में यदि अस्थमा का प्रॉब्लम है या किसी अडल्ट में भी अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो भी स्मोकिंग से बढ़ता है। आप खुद भी अगर स्मोकिंग कर रहे हो या आपके आसपास भी कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, कोई बच्चों का पेरेंट भी अगर स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे भी बच्चों का अस्थमा बढ़ सकता है। तो इसलिए अस्थमा की प्रॉब्लम जहाँ पर नलियाँ सिकुड़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा वीजिंग, खांसी और छाती में भारीपन के सिम्टम्स होते हैं, ये काफ़ी हद तक स्मोकिंग से बढ़ सकता है। हालांकि स्मोकिंग ही इसका कारण ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़ने का इसका कारण हो सकता है। तो इसलिए आपको स्मोकिंग बंद करना चाहिए यदि आपको या आपके परिवार में किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है। ओवरऑल व्यक्ति का क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन लंग्स में होता है और इससे लंग्स के ट्यूबुल डैमेज हो जाते हैं और सांस लेना भी लोगों का मुश्किल हो जाता है। लंबे समय में लोगों को खांसी होती रहती है। एम्फाइसीमा में भी यही होता है कि जो लंग्स की इनर लाइनिंग्स या एल्वियोलाई है वो सब एक तरह से रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, व्यक्ति को जान का खतरा हो जाता है। ओवरऑल आपके लंग्स का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लंग की ओवरऑल कैपेसिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपकी सांस लेने की क्षमता भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है यदि आप लंबे समय में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो। लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशन ये है कि यदि आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं या किसी और की वजह से आपको स्मोक इनहेल करना पड़ रहा है, तो आपको बहुत सारी तरह की बीमारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे तरह के इशूज और इन्फेक्शन और कभी कभार कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। ये सारी ही प्रॉब्लम्स प्री मैच्योर डेथ का कारण बनती है। ये सारी तरह की बीमारियों में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो आप कर सकते हैं वो स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद करना और अपने आसपास के लोगों को भी इंकरेज करना कि वो स्मोकिंग बंद करें। अब हम बात करेंगे स्मोकिंग सेसेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। ओब्वियसली ये सारे बीमारियों से बचाने में मदद आपको स्मोकिंग सेसेशन से मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट तुरंत नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि आपने कल स्मोकिंग बंद करी तो आज खांसी ठीक हो जाएगी और आपका लंग कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा।
कई साल लगते हैं इस तरह के इफेक्ट का रिस्क बॉडी में कम होने को। ये टॉपिक पर भी हमने अलग से वीडियो किया कि इस सारे चीज़ों से कितने साल लगते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को कम होने में। आप सरप्राइज होंगे कि कई बार नॉन स्मोकर स्टेटस या लो रिस्क लेवल पर आने में कई बार 10-10 साल तक लग जाते हैं। तो इसलिए ये स्मोकिंग को बंद करना आज ही ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप स्मोकिंग को बंद करने में आप लेट करेंगे उतना आपको बेनिफिट होने में और साल लगेंगे, उतना लॉन्ग टर्म आपको परमानेंट डैमेज होता रहेगा और आपका मृत्यु दर बढ़ता रहेगा। आज के टॉपिक में हमने बात की स्मोकिंग आपके लंग्स को किस तरह से अफेक्ट करता है, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिससे स्मोकिंग करने वाले लोगों के लंग्स ख़राब होते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग को छोड़ने के लिए यूज़फुल टिप्स पर और स्मोकिंग से रिलेटेड और क्या क्या इश्यूज़ हमारे बॉडी में होते हैं ये सारी चीज़ों पर हमने अलग वीडियो किए हैं। स्मोकिंग बंद करने के बाद कितना जल्दी फ़ायदा होता है अलग अलग सिस्टम्स पर, इस पर भी हमने वीडियोज़ किए, इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।